हेलो फ्रेंड्स, तो आपका मोबाइल चोरी हो चुका है, गुम हो चुका है, कहीं पे पड़ा है पर मिल नहीं रहा, तो फाइन कैसे करना है? अगर आपके मोबाइल में ऐसी सेटिंग तो है नहीं, फाइन कैसे करना है फिर? तो गूगल ने ऐसी सेटिंग दे रखी है, एक सिंपल, मैं आज कोई आपको कॉम्प्लेक्स ऐसा ऐप नहीं बताऊँगा, कॉम्प्लेक्स ऐसी सेटिंग नहीं बताऊँगा, तो आपका फिर भी आपका मोबाइल फाइन हो सकता है, मिल सकता है आपको। तो मैं 100% तो गारंटी नहीं लेता, 80% तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, 20% क्यों नहीं ले सकता मैं वीडियो में लास्ट में बताऊँगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपका आपने ही कमेंट किया था इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका मोबाइल आपको सुरक्षित रखना है, सिक्योर रखना है, तो आपको एक ही स्टेप करनी पड़ेगी, आपको गूगल के ऊपर जाना पड़ेगा, वहाँ पर सर्च करना पड़ेगा गूगल फाइंड माई डिवाइस या फाइंड माई डिवाइस, उस ऐसा कुछ आपको सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने के बाद फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा, वो लिंक होगी, वहाँ पे क्लिक करो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको जो भी जीमेल आईडी वहाँ पे आपको रजिस्टर हो, जीमेल आईडी आपको दिखेगा, वो वहाँ पे एक्सेप्ट करना है, बस आपको एक्सेप्ट करना है और बाकी कुछ भी नहीं करना। आपको बस आपको जीमेल आईडी वो वेरीफाई होना चाहिए, आपको जीमेल आईडी जो आपको मैं आपकी सेफ्टी के लिए बताना चाहूँगा, आपका जीमेल आईडी हो वो आपको पता हो, उसका पासवर्ड आपको मालूम हो, वही जीमेल आईडी आपको वहाँ पे रजिस्टर कर लेनी है, आपका मोबाइल उस जीमेल आईडी पर सेव या रजिस्टर कर लेना है। कर ले उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, उसके बाद आपको दिखाई देगा वहाँ पर आपको मैप दिखाई देगा, आपका मोबाइल कहाँ पे लोकेट हो रहा है आपको दिखाई देगा, मैप भी दिखाई देगा, आपका मोबाइल कौन सा डिवाइस है तो आपको दिखाई देगा, और आपका मोबाइल लास्ट सीन कब किया था वो भी दिखाई देगा, और आपके मोबाइल की बैटरी कितनी वो भी दिखाई देगा। उसके बाद माना कि आपका मोबाइल घर में कहीं पर पड़ा हुआ है बट मिल ही नहीं रहा, तो कैसे ढूँढे कैसे, तो मैं प्ले साउंड ऐसा आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो आपका साउंड आपका मोबाइल बजने लगेगा, क्योंकि जो भी रिंगटोन होगी वो बजने लगेगी, 5 मिनट तक आपका मोबाइल बजता रहेगा, आपका मोबाइल बंद भी होगा तो भी बजता रहेगा, बट आपका मोबाइल का नेट ऑन रहना चाहिए, ये तो वही फर्स्ट ड्रॉबैक, आपका मोबाइल को नेट ऑन रहना चाहिए और आपका मोबाइल स्विच ऑफ नहीं रहना चाहिए। तो सेकंड, सिक्योर डिवाइस, अगर आपका मोबाइल सिक्योर डिवाइस का मतलब आपका मोबाइल, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर आपको आपको क्लियर करना चाहूँगा। सिक्योर आपका माना कि आपका मोबाइल चोरी हो चुका है, वो मिल ही नहीं रहा, तो आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट स्टेप, तो आपको मोबाइल आपको सिक्योर करना चाहिए। अगर आपका मोबाइल चोरी हो चुका है तो आपका लॉक तो वैसे भी तोड़ सकता है, तो आपका मोबाइल सिक्योर करना है, आपका डाटा सिक्योर करना है, पहले आपका डाटा सुरक्षित करना है, तो सुरक्षित करने के लिए सिक्योर डाटा इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और आपका डाटा सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद इरेज डिवाइस, तो आपको अगर आपका मोबाइल चोरी हो चुका है, बहुत दिन हो चुके हैं, आपका मोबाइल आपने होप छोड़ दी, तो आपका डाटा इम्पॉर्टेंट है गाइस, डाटा टू इन टूडेज वर्ल्ड डाटा इज़ द किंग, सो वी हैव टू सेव आवर डाटा, सो आपको इरेज डिवाइस करना पड़ेगा। अगर आपका मोबाइल मिल ही नहीं रहा तो आपका डाटा, एटलीस्ट आपका डाटा तो बचा रहेगा ना, तो आपको इरेज डिवाइस ऐसा ऑप्शन आ रहा है, इरेज डिवाइस कर लेना, उस डिवाइस से आपका डाटा इरेज हो जाएगा, वो डिवाइस नया हो जाएगा, नया मोबाइल हो जाएगा, और आपका डाटा जो उस मोबाइल पे सेव है वो सिक्योर हो जाएगा, अपने पास आ जाएगा। आपको सिंपली अपना जीमेल आईडी, आपको क्या करना, आपका मोबाइल गुम हो चुका है, आपको सिंपली अपना जीमेल आईडी दूसरे के मोबाइल अपने फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के साथ आपको उस मोबाइल में रजिस्टर कर लेना है, आपका मोबाइल पासवर्ड डाल लेना है, उसके बाद आपको सिंपली आपको सर्च करना है, मैंने बताया फाइंड माई डिवाइस ऐसा कुछ आपको सर्च करना है, उसके बाद आपको ये तीन ऑप्शन आपको दिखाई देगी, आपको जो भी करना है वो करना है, मैं वीडियो में बता दिया है क्या करना है, प्ले डिवाइस आपको मोबाइल घूमने हो चुका है तो प्ले साउंड करना है, सिक्योर डिवाइस करना है, इरेज डिवाइस करना है, आपकी मर्जी है, जो भी करना है। तो मैं लास्ट में बताने वाला था ड्रॉबैक्स समझे या डिसएडवांटेज समझे, अगर आपका मोबाइल गुम हो चुका है, उसने नेट ऑफ कर दिया और
तो आपका मोबाइल बचेगा नहीं और आपका मोबाइल आपका मोबाइल सिक्योर होगा नहीं, इरेज होगा नहीं। तो सेकंड, अगर आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है तो आपका मोबाइल सिक्योर होगा नहीं, साउंड प्ले नहीं होगा। तो ये दो ड्रॉबैक्स, इसलिए मैं 20% गारंटी नहीं लेता, 80% गारंटी मैं ले लेता हूँ बट 20% तो मैं नहीं लेता। तो यही था आज का वीडियो। मैंने कोई कॉम्प्लेक्स ऐसी सेटिंग तो नहीं बताई, मैंने कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स ऐप भी नहीं बताया। गूगल फ्री में दे रहा है तो आपको सिक्योर करने में आपका क्या जाता है, आपका मोबाइल सिक्योर तो हो रहा है ना, 80% तक तो आपका मोबाइल सिक्योर तो हो ही रहा है ना। तो आपको फर्स्ट, आपको सिक्योरिटी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइस, अपनी मोबाइल की सिक्योरिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सो सिक्योर कर लेना है गाइस। तो आपका मोबाइल सिक्योर हो जाएगा, उसके बाद आपको बस कुछ नहीं करना है, स्टेप आपको मैंने बताई गई है वो स्टेप फॉलो करने। तो यही था आज का वीडियो, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे इसे नेक्स्ट टॉपिक के लिए, टाटा।